ये है राजस्थान के अजब गजब मंत्री, जिनके बड़बोले बयान पर लोग ठहाके लगाने से खुद को नहीं रोक पाए, या फिर ये कहे कि मंत्री बनते ही राजेंद्र गुड्डा के सुर बदल गए और बोल बैठे कि सड़कें हो तो सुना आपने। और आगे क्या बोली, बोल बैठे कि हेमा मालिनी बूढ़ी हो गई, अब कैटरीना के गालों जैसी सड़कें बनाए। कौन सी है केटरीना केट का गाला देने की सड़क बननी चाहिए, ऐसी बन रही है। मंत्री महोदय वैसे तो बैठे थे प्रशासन गावो संघ अभियान कार्यक्रम में, जब लोगों ने खराब सड़कों का जिक्र किया तो नए नवेले मंत्री ने बड़े ही बड़बोले अंदाज में बोल दिया, मेरे गांव में कैटरीना के गालों जैसी सड़कें बननी चाहिए। और क्या था, लोग जमकर ठहाके लगाने आए। राजेंद्र गुड्डा, जिसे गहलोत ने बीएसपी से कांग्रेस में आने का इनाम दे दिया, हाल ही में गहलोत मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बन गए, लेकिन मंत्री साहब के सुर तो कुछ और ही है। वैसे ये पहली बार नहीं जब किसी नेता के मुंह से इस तरह से अभिनेत्री के गालों को लेकर कोई कमेंट किया गया हो। वैसे ऐसा बयान पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे लालू यादव ने भी दिया था, और इसके साथ ही कई राज्यों के मंत्री भी इसी तरह का बयान दे चुके हैं। 2005 में लालू यादव ने बिहार में सड़कों को लेकर कहा था कि यहाँ की सड़कें हेमा मालिनी के गालों जैसी चिकनी बनेगी, और उसके बाद अब गहलोत के नए नवेले मंत्री का ये वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। सड़क बननी चाहिए।